नंबर देखो जरा, लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, उसका जो आंसर है वो मे बी शायद नेक्स्ट टाइम मिले, क्योंकि आज का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझसे। दो टॉपिक्स हैं, इंटेंसिटी प्रेशर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फेस। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो रिफ्लेक्शन के ऊपर, उसका आंसर नेक्स्ट टाइम दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं बचेगा आज के लेक्चर में इतना, और वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स एज प्रेशर वेव्स, साउंड वेव्स एज प्रेशर वेव्स। मैं आज के लेक्चर में क्या करने वाला हूं, देखो सीक्वेंस देखो कितना क्लियर है एकदम। पहले मैं साउंड को एयर में ट्रेवल करवाऊंगा, पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, कुछ जगह पर कंप्रेशन होगा, कुछ जगह पर एक्सपेंशन होगा। मैं वो पॉइंट्स लूंगा जहां कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन का केस बाद में करेंगे, पहले कंप्रेशन का केस। कंप्रेशन करूंगा पार्टिकल्स में, क्योंकि जैसे डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल की पहले जीरो होती है फिर इंक्रीज होती है, ऐसे पता ही है ना, वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। प्रेशर भी किसी भी पॉइंट पर इंक्रीज होता है, जीरो होता है, जीरो मीन्स जीरो तो नहीं होता, ऐसा बोलना चाहिए नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीन एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, जीरो तो नहीं हो सकता, एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, और फिर डिक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए किसी पॉइंट पर तो उसका नाम दे दीजिए कंप्रेशन हो गया, अगर उसी जगह पर एक्सपेंशन हो जाए तो रेरिफेक्शन हो गया, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेन पोजीशन पे हो गया। तो कहने का मतलब कि जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किसी पार्टिकल की चेंज होती है, तो जब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा होगा तो वो प्रेशर को चेंज कर रहा होगा अपनी जगह पर, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो प्रेशर की वैल्यू पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को क्या करेगी, चेंज करेगी। मैथमेटिकली कैसे करेगी वो डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली करके दिखाऊंगा प्रेशर कैसे चेंज होता है डायग्राम की हेल्प से, फिर मैं आपको मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा प्रेशर कैसे चेंज होता है, फिर जब प्रेशर चेंज हो रहा होगा तो पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उस केस में पार्टिकल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस एनर्जी को किसी एरिया से डिवाइड करेंगे तो, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिटी आएगी। लास्ट टाइम किया था इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, पावर मीन्स एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कौन सी, पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। का मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर से आपकी वेलोसिटी लिंक्ड है, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी लिंक्ड है, काइनेटिक एनर्जी से पावर लिंक्ड है, पावर से इंटेंसिटी लिंक्ड है, और इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड लिंक्ड है। सारा आंसर मुझे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ करूं, इसका मैं डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी पार्टिकल का, जैसे साउंड ट्रेवल कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करती है, तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर साउंड ट्रेवल करती है तो जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर सकती है, कुछ ऐसे, मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, जीरो हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड सो ऑन, सच दैट सपोज ये मैं डिस्प्लेसमेंट का कर्व बना रहा हूं, सच दैट डिस्प्लेसमेंट के कर्व में ये ओ है, ये ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये डी है, एंड लास्ट इज ये ई है। डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से चेंज हो रही है। ये डायग्राम मैंने एक बार पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था आपको, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप एक काम करो, इस ए पॉइंट को ये ले लो, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, और ये आपका ई पॉइंट है। मैं क्या करता हूं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में है, मैं इसमें क्या करने वाला हूं, एक्चुअल मीडियम का वेरिएशन शो करने वाला हूं। जो एक्चुअल मीडियम है, एक्चुअल मीडियम में पार्टिकल वर्टिकल थोड़ी ना मूव करता है, एक्चुअल मीडियम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करता है। तो अगर एक्चुअल मीडियम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करता है मींस इस तरफ, तो कोई पार्टिकल अगर मैं ए के इस तरफ लूंगा, यहां पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो मान लो इसी पार्टिकल को अगर मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूं,
वाई यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब टूवर्ड्स राइट, ये पार्टिकल कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा टूवर्ड्स राइट, और ये पार्टिकल कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक हो गया ना यहाँ तक? इमेजिन करो ना कि वाई पॉजिटिव यानी कि राइट, वाई नेगेटिव यानी कि लेफ्ट। ठीक, इसका मतलब ए पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कंप्रेशन। ए पॉइंट पे इसका मतलब कंप्रेशन होने वाला है, यहाँ के पार्टिकल ए पॉइंट के पास आसपास आस पड़ोस के पार्टिकल्स ए पॉइंट के पास आने की कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर आप सपोज बी पॉइंट लो, यहाँ पर बी पर वाई नेगेटिव और यहाँ पर वाई पॉजिटिव, यहाँ पर अगर वाई पॉजिटिव तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। और ये वाला पार्टिकल कहाँ आएगा? वाई नेगेटिव का मतलब इस तरफ जाएगा। इसका मतलब ये जो रीजन होगा ये कौन सा रीजन होगा? रेरिफेक्शन का रीजन। एक कंप्रेशन का रीजन है तो दूसरा रेरिफेक्शन का रीजन है, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन। कोई डाउट किसी को? ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या? ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, हमने ऐसा डिस्कस किया था कि अगर हम एक्चुअल वेरिएशन ड्रॉ करें तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेरिफेक्शन आने की जो है हम ऐसा कर सकते हैं। अब कोई भी पार्टिकल मान लो यहां पर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो पार्टिकल होगा ये रेरिफेक्शन है तो अगला क्या जाएगा? कंप्रेशन आएगा ना। तो जो बीच वाला पार्टिकल होगा वो कहां जाएगा? लेफ्ट की राइट? मालूम नहीं उस इंस्टेंट पर वो कहां जाएगा एग्जैक्टली, किसका जोर ज्यादा होगा। हम ये मानते हैं कि ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, मतलब जस्ट एवरेज केस ले रहे हैं, ना वो लेफ्ट पे जाएगा ना वो राइट पे जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। ना तो प्रेशर ज्यादा होगा ना प्रेशर कम होगा, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है पर इतना नहीं हो सकता जितना कंप्रेशन में होता है, और इतना भी नहीं हो सकता जितना रेरिफेक्शन में हो सकता है। कोई तो पार्टिकल नॉर्मल भी होगा। मतलब मैं ये शो करना चाहता हूँ कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के लेफ्ट का पॉइंट ज्यादा प्रेशर, राइट का पॉइंट कम प्रेशर, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से जैसे पीरियोडिक मोशन नहीं होती, मीन पोजीशन के इस तरफ जो है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कम, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है प्रेशर एकदम मैक्सिमम हो जाएगा एक जगह पर, प्रेशर एकदम मिनिमम हो जाएगा एक जगह पर। तो इस तरीके से शो करने की कोशिश कर रहा हूं। पार्टिकल का जो प्रेशर होता है ना, तो उस पॉइंट पर ही एक्चुअल में कंप्रेशन हो जाता है, उसी पॉइंट पर प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, उसी पॉइंट पर प्रेशर मिनिमम हो जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एक ही पार्टिकल एक्चुअल में, ये तो एक स्टैटिक वेव है ना, ये तो बस एक ही डायग्राम बना दिया, पर वेव याद है मैंने डायग्राम एनिमेशन दिखाई थी जिसके अंदर एक ऑसिलेटर दिखाया था और वेव कैसे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, सेम डायग्राम। अब इमेजिन करो अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो पार्टिकल का प्रेशर भी साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, और वो भी पीरियोडिक हो रहा है। ठीक, वो कैसे हो रहा है मैथमेटिकली, नेक्स्ट है इसका टॉपिक, मैथमेटिकल एनालिसिस है इसका इक्वेशन वाइज। इसको करने के लिए जरा ध्यान से देखना, ये प्लीज कोई स्कूल के लिए मत पढ़ के जाना, आप कॉम्पिटिशन के लिए भी नहीं, इसका प्रूफ देखने की जरूरत। जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में पूछूंगा इस पूरे थ्योरी के बाद कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक, सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक का नाम है प्रेशर, प्रेशर वेरिएशन इन इन साउंड वेव्स, टॉपिक का नाम है। इसके लिए आप एक काम करो, देखो साउंड तो बहुत एरिया में ट्रेवल कर रही है, आपको कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, मैं किस एरिया में अपना कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने बस एक कंस्ट्रेंट कर दिया अपने साउंड वेव्स को कि वो एस एरिया में ट्रेवल कर सकती है, तो इसके अंदर जो साउंड इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ,
वी वेलोसिटी से साउंड आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे। पॉइंट नंबर वन इसकी है। सपोज करो एक मिनट के लिए ये वन पार्टिकल्स हैं, ये टू हैं, ठीक है। मैंने कोई एक वॉल्यूम ले लिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मान लो ये एस एरिया है, ये एस एरिया, तो ये भी एस एरिया है, और मान लो ये जो डिस्टेंस है सपोज ये कितने डी एक्स है। तो अगर मैं आपसे सिंपली एक चीज पूछूं कि बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या, एस इंटू डी एक्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ये वॉल्यूम है। ये किस चीज का वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है, एक पार्टिकल नंबर वन है, एक पार्टिकल नंबर टू है। पार्टिकल नंबर वन की लाइन पे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर टू की लाइन पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक। मैं अब क्या करने वाला हूं, इसमें साउंड इसमें से जब पास हो गई, पार्टिकल डिस्टर्ब हो गई, साउंड जब पास हो गई पार्टिकल डिस्टर्ब हो गई, वॉल्यूम जितना आपको दिखाई दे रहे नहीं रहेगा। मैं इमेजिन करो कि इसमें मैं केस एक्सपेंशन का नहीं ले रहा, मैं इसमें केस कंप्रेशन का ले रहा हूं एट अ टाइम, एक्सपेंशन का बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया, ये चीज मानते हो, और वॉल्यूम कितना चेंज हो गया मैं भी कैलकुलेट करके बताता हूं। सपोज करो एक मिनट के लिए कि ये जो पार्टिकल है, लेट से इनके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट से वो डी वाई है, और मैं ये बोलूंगा कि ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है जो ग्रीन कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया, ये एस इंटू डी वाई है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर कंप्रेशन हो गया, और अगर सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि ये वाला वन वाला पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेस हो गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी वाई, जो वन वाला पार्टिकल है, वन वाला पार्टिकल मान लो इसी इंस्टेंट पर टू पे इस इंटरमीडिएट लाइन पे डिस्प्लेस हो गया, तो यानी कि कितना डिस्प्लेस हो गया बाय डिस्टेंस ऑफ डी वाई, तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, एस इंटू डी वाई। एक्चुअल वॉल्यूम इस पूरे वन और टू के बीच में कितना था, एक्चुअल वॉल्यूम था एस इंटू डी एक्स, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज बोल रहा हूँ, नया वॉल्यूम नहीं, नया वॉल्यूम तो आप कैलकुलेट कर ही दोगे, ये वाला नया वॉल्यूम है, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो चेंज इन वॉल्यूम जितना आप पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया डी वाई, वही उसका चेंज इन वॉल्यूम है, दैट इज एस इंटू डी वाई। तो अगर मैं इसमें आपसे एक वैल्यू कैलकुलेट करवाऊं डीवी अपॉन वी, तो डीवी अपॉन वी अगर कैलकुलेट किया जाए तो एस इंटू डी वाई, एस इंटू डी एक्स, एस से एस क्या हो गया एक्स, बताऊंगा अभी मैं ये क्यों कर रहा हूं। मैं तो मैंने क्या निकाल दिया, डेल्टा वी बाय वी निकाल दिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका नाम क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना यहां तक। कोई डाउट किसी को इसमें? अब कोई मुझे ये बताएगा, कोई भी वेव अगर ट्रेवल करती है उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए साइन, कितने लोगों को पता है, आती है, कॉपी पे लिख के दिखा सकते हैं अभी। अगर एक साउंड वेव ट्रेवल करती है तो उसकी वाई की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, वेव की इक्वेशन क्या होती है, ये पूछ रहा हूं, आप लिख के दिखा सकते हो, हाथ खड़ा कर रहा है, नहीं लिख के दिखा सकते, सब दिखा सकते हैं, सबको आता है, क्या हुआ है, ए साइन टू पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स, या फिर ओमेगा टी माइनस, ये भी तो किया था आपने, के वेयर के वाज इक्वल टू क्या, टू पाई बाय लैम्डा, याद आ रहा है, ध्यान से देखना, अभी अभी जब मैंने एक वैल्यू निकाली डेल्टा वी बाय वी, तो उसकी वैल्यू क्या थी, डी वाई बाय एक्स, एक काम करें इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई की वैल्यू को मैं क्या पुट करने वाला हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, ज्यादा क्लियर है, तो ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूं डी वाई बाय डी एक्स की, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए कॉस ओमेगा टी
माइनस ए एक्स इंटू डीवाई डी टी ऑफ इंटू डीवाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स। ठीक हो गया यहां पर कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा ए इंटू के इंटू माइनस ए के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं ना ये कॉन्स्टेंट माना जाएगा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर। वैसे भी इसको ना वैसे मैंने डी गलत सिंपल लिया है, मैंने ना पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज करनी है। पार्शियल मतलब कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो टाइम कॉन्स्टेंट है उसमें। टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूं तो फिर एक्स को क्या मानना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट। ये मैथ्स की टर्म होती है पार्शियल डिफरेंशियल्स। इसके अंदर हम एक चीज को कॉन्स्टेंट मान के दूसरे को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब और ये माइनस इसलिए आ रहा है बिकॉज माइनस के कॉमन आ गया डीएक्स बाई डीएक्स आपके पास आना चाहिए। चलो इन एनी केस अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास डीवाई बाई डीएक्स आ गया, लेकिन डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है? डेल्टा वी बाय वी। तो आपने ये किसकी वैल्यू निकाल दी? डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू निकाल दी। ठीक हो गया, डेल्टा वी बाय वी आ गया। अब अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो बल्क मॉडुलस को भी होना पड़ेगा। ठीक, तो सपोज करो जब कंप्रेशन हुआ तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है माइनस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर डेल्टा वी अपॉन वी। लेकिन मैं डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू भी निकाल चुका हूं जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ए एक्स। और इसमें माइनस से माइनस कैंसल तो डेल्टा पी की वैल्यू आ गई बी ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ए एक्स, वेयर दिस इज मैक्सिमम प्रेशर डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स, वेयर डेल्टा पी नॉट कैन बी रिटन एज व्हाट? बी ए के, क्योंकि जो भी कॉस के आगे टर्म होगी वो मैक्सिमम टर्म होगी। जैसे प्रेशर, हम प्रेशर की इक्वेशन लिख रहे हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो बी ए के आ गया दिस इज मैक्सिमम प्रेशर। जो मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है वो बी ए के होगा। इतनी फॉर्मुला याद रखना है, पहली चीज। प्रूफ आपसे कोई पूछेगा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है जो आपने बताना है कि अगर साउंड वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन होती है, साथ में वो प्रेशर डेवलप करता है इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है कंप्रेशन या रेडिफिक्शन। आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर में फेज डिफरेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर में फेज डिफरेंस कितना होगा? प्रेशर की इक्वेशन किसमें आ गई? कॉस, साइन और कॉस में फेज डिफरेंस क्या होता है? 90। समझ आया कंपटीशन कैसा आएगा? आइडिया क्लियर हो रहा है कि इन टॉपिक्स में से निकल के क्या आने वाला है? ऐसा निकल के आएगा। पहला आंसर क्लियर है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। देखो अब कोई आपकी जो स्पेशल जो अरे हम पढ़ रहे हैं बुक्स में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऐसे वहां भी शायद ऐसे फॉर्मूलाज होंगे क्या? ध्यान से देख लो, जो डेल्टा पी नॉट मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर जो मर्जी बोलो, जो वैल्यू आई वो क्या आई? बी ए के
आप कई बुक्स इसको ऐसे लिख सकती हैं, इज इक्वल टू 2π/λ लिख सकती हैं, पॉइंट नंबर वन। ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, याद है साउंड लैपलेस इक्वेशन न्यूटन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, या फिर बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू v² × डेंसिटी, इसको उठा के पुट कर सकते हैं। डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, v² ρa × k, इसको k पुट करेंगे कोई बात नहीं, v की जगह वैल्यू पुट कर ली, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। नेक्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी v होती है वो क्या होती है, ω/k, करके देख लेना, हमने किया था जब वेव की इक्वेशन बनाई थी, तो जब वेव की, क्योंकि करके देखो ना, k का मतलब 2π/λ, तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बनेगा, v = λ × new λ, तो मैं वेलोसिटी की जगह ऐसा पुट कर सकता हूँ, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू ω/k का स्क्वायर ρa × k, सॉल्व कर लेना। मतलब मेरा काम आपको याद कराना नहीं है फॉर्मूला, मेरा सिर्फ इतना काम है, मेरे को अगर आप सच पूछो तो एक ही फॉर्मूला आता है, मैक्सिमम प्रेशर इज इक्वल टू va k, बस एक ही जाएगी न्यूमेरिकल में जो होगा हम खुद कन्वर्ट कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें आता है, k का फॉर्मूला हमें पता है, हम अपने वहां निकाल लेंगे जो निकाल, पर ये चीज क्लियर है va k का मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रेशर। नेक्स्ट है इट मींस मैं ऐसा कर सकता हूं, प्रेशर एट एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, नहीं तो होना ही होना है, आप अगर साउंड नहीं भी मूव करवाओगे हर पॉइंट पर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्लस और माइनस पी नॉट या डेल्टा पी नॉट जो मर्जी कर लो, इनटू जिसकी वैल्यू डेल्टा पी नॉट ही कर लो कोई बात नहीं, अभी नहीं निकाला, बी ए के लिख लो, चाहे बी ए के लिख लेते हैं चलो, प्लस बी ए के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, ठीक है यहां तक। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी a × sin ωt − kx, ठीक, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो साइन ऑफ ये एंगल क्या था, ये एंगल इसका मतलब क्या था, जीरो था, साइन ऑफ जीरो इज जीरो, और अगर ये एंगल जीरो है तो इसका मतलब उसके कॉस, अगर ये एंगल जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, यानी कि प्रेशर की वैल्यू यहां पर क्या आएगी उस इंस्टेंट पर, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, फिर से एक बार बताऊं, वाई जिन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, कब जीरो थी, जब ये एंगल किसके इक्वल था, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, और जब ये एंगल जीरो, अभी डिस्कस किया हमने प्रेशर का एंगल क्या होगा, 90 तो कॉस की वजह से हो गया, मैं रिपीट करता हूं, जब ये एंगल जीरो है तो ये एंगल भी जीरो है, और कॉस जीरो क्या होता है, वन, यानी कि ये चीज मैक्सिमम होगी, और अगर ये चीज मैक्सिमम होगी तो प्रेशर की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पर प्रेशर मैक्सिमम है, ठीक। इसको डायग्राम से देखें, ये शुरू में डायग्राम बनाया था, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देखो ए पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो है, ठीक है ना, जीरो है, तो देखो प्रेशर की वैल्यू क्या है यहां पर, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर प्रेशर इज चेंजिंग विद टाइम, और कैसे इज चेंजिंग विद टाइम, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला लिख दिया था, मैंने इस केस में क्या अज्यूम किया, सिर्फ केस ऑफ कंप्रेशन, मैंने रेडिफेक्शन के साथ नहीं किया, पर हाँ प्रेशर वो कुछ नहीं होगा, मैंने प्लस माइनस लगा दिया ना, माइनस की वजह से जहां प्लस है वो टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अब पूरा रिजल्ट बोलूं, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो प्रेशर मैक्सिमम भी हो सकता है और प्रेशर साथ के साथ मिनिमम भी हो सकता है। तो एक चीज देखा, इसको डायग्राम की हेल्प से, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, देखो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर प्रेशर क्या है, तो प्रेशर मैक्सिमम, प्रेशर मिनिमम किन पॉइंट्स पर आ रहा है, जब वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, तो वाई की वैल्यू जीरो पर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, मैथमेटिकल एनालिसिस है, आइडिया क्लियर है बेसिक, ठीक है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसका?